हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट की हूँ, जिसमें 25% मैंने ऑलरेडी करवा रखा है बिहार स्टेट के लिए। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कई तरह के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जैसे फंडामेंटल्स में कई सारे टॉपिक खत्म करवा दिए हैं, और अभी मैं नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो आज तक हमारा बेसिक क्वेश्चन चलेगा, मैंने 25 क्वेश्चन करवा रखा है बेसिक, और आज हमारा 25 क्वेश्चन बेसिक चलेगा। उसके बाद कल से जो हमारे सिलेबस में प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, जैसे मैं स्टार्ट करूंगी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, और एक होता है हमारा मल्टी टास्किंग। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे एकदम फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, जो हमारे सिलेबस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही टाइप्स खत्म होगा तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस से। प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसे बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करेक्ट ऑप्शन है। विंडोज इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज बेस्ड ऑन GUI, विंडोज इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसका सोर्स कोड हमें पब्लिकली अवेलेबल हो, जिसमें हम लोग चेंजेस करके मॉडिफाई करके हम लोग नया सॉफ्टवेयर बना सके, जैसे कि हमारा लिनक्स। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि उसके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, वो फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसके कोड में चेंजेस करके मॉडिफाई करके एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते, जैसे इसके बहुत सारे फ्लेवर है, जैसे उबंटू, रेड हैट, काली, और भी इसके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि फ्लेवर है। तो इसको कहते हैं हम लोग ओपन सोर्स। तो विंडोज हमारा क्या है, ओपन सोर्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। विंडोज इज बेस्ड ऑन GUI, मतलब कि क्या कमांड यूजर इंटरफेस है, नहीं, हमारा जो विंडोज है वो क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि सोर्स कोड जो होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और सारे क्वेश्चन को लोग ऐसे ही एनालिसिस करके चलेंगे, सो डैट इन सब क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी ऑप्शंस में से, अगर इन सब ऑप्शंस में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसको भी कवर कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मतलब रिक्वायर नहीं है कमांड रन करने के लिए। तो काली लिनक्स है, विंडोज है, यूनिक्स है, ऑल ऑफ दिस है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि काली जो है वो क्या है, CUI है, और यूनिक्स भी क्या है, CUI है, बट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है, विंडोज। विंडोज क्या है, उसके लिए हमें रन करवाने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्योंकि ये क्या है, GUI है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले रन करता है जब हमारा सिस्टम बूटिंग हो गया होता है, GUI लोड हो जाता है उसके बाद। तो फर्स्ट है डेस्कटॉप मैनेजर, सेकंड है फाइल मैनेजर, सी है विंडोज एक्सप्लोरर, उसके बाद ऑथेंटिकेशन। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है आफ्टर बूटिंग कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI, मतलब GUI लोड हो जाता है, बूटिंग हो जाता है, तो हमारा रन जो होता है, प्रोग्राम रन करता है, वो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन होता है जो रन करता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो हमारा स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर में तो लोड होता है, विंडोज डेस्कटॉप होता है, नेटवर्क कनेक्शन प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, CMD होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा PCB होता है वो किसको कंटेन नहीं करता है, कोड को, स्टैक को, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और डेटा। तो जो हमारा PCB तो वो क्या कंटेन नहीं करता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है, जो हमारा सिस्टम बूटिंग हो रहा होता है, स्टार्टिंग में जो रन करता है, तो वो कोड को हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप।
तो जो कि पीसीबी कंटेन नहीं करता है, पीसीबी कोड को करता है, स्टैक को करता है, डेटा को करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर इज अ, बफर क्या है, परमानेंट एरिया है, टेम्पररी एरिया है, स्मॉल एरिया है, लार्ज एरिया। तो बफर क्या है, टेम्पररी एरिया। ये क्या करता है कि टेम्पररी जो हमारे कैश होते हैं उसमें एक स्पेस होता है, टेम्पररी डेटा जो हमारा रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उसको स्टोर करता है वो। तो ये क्या होता है, टेम्पररी एरिया होता है बफर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है वो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा हार्ड रियल टाइम और एक होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम। ऑपरेशन इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा हमारा हार्ड रियल टाइम होता है, कौन सा हमारा सॉफ्ट रियल टाइम होता है, जिससे क्वेश्चन में आगे लेकर आऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो व्हाट इज काली लिनक्स। काली लिनक्स क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर नेम है, कंप्यूटर नेम है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि काली क्या है, काली क्या है, लिनक्स के ही फ्लेवर है। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि लिनक्स के फ्लेवर है और काली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एस टी एफ स्टैंड फॉर, यहाँ पे कह रहा है कि एस एस टी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्टेस्ट सिंगल टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट, सिस्टम सिक टाइम फर्स्ट, सिस्टम शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट। जब हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ेंगे इससे अच्छे न्यूमेरिकल से बन जाते हैं, हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो एस एस टी एफ का फुल फॉर्म्स क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर अ कमांड टू रन। इसमें से क्या कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रन करने के लिए कमांड चाहिए। आप देख सकते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रन करने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रन करवाने के लिए हमें कमांड की जरूरत पड़ती है। तो काली लिनक्स है, विंडोज है, मैक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा हो जाएगा, काली हो जाएगा। काली को रन करवाने के लिए हमें क्या, कमांड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये होता है हमारा सी यू आई। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जैसे कि हो जाता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एस जे एफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एस आर टी एफ हो जाता है, एल जे एफ हो जाता है। बहुत सारे सीपीयू शेड्यूलिंग है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो मतलब कि यहाँ पे जो जितने हैं सारे ही है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होता है वो किस बेसिस पे होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लार्जर मेमोरी साइज सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होता है वो किसके किस बेसिस पे होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कि मल्टीपल प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेट करता है सेम टाइम पे, तो वो कैसे करेगा। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन। बी ऑप्शन है, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इन टू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए ऑप्शन हमारा 100% सही है, कि जब तक हमारा सिस्टम ऑन है ना, जब तक चल रहा है, तो कर्नल हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और सी ऑप्शन भी हमारा सही है, क्योंकि जैसे ही हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा लोड होता है, कर्नल लोड होता है ड्यूरिंग बूटिंग। उसके बाद है कर्नल प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सही बात है, कर्नल को हम लोग हार्ट एंड कोर भी कहते हैं। तो यहाँ पे गलत आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द रॉन्ग आंसर। मतलब कि बी यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो क्या सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी।
यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है कि कैन नॉट, जबकि यहाँ पे लोड होता है सबसे पहले, तो ये नॉट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एरर हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क, पावर फेल्योर, इसमें से सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग प्रिंटर से कनेक्ट किए रहते हैं, अगर पेपर कम गया हो तो हमारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मिलता है, कनेक्शन फेल्योर अगर हो गया तो पता चलता है, पावर फेल्योर हो गया तो हमें सब इन्फॉर्मेशन कौन देता है, किसके थ्रू देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होते हैं उनका खुद का क्या होता है, ओपन फाइल होता है, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल्स हैंडलर, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर, ये सारे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी अकोमोडेट, मेन मेमोरी क्या अकोमोडेट करता है, यूजर प्रोसेसेस को करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है, बोथ को करता है या फिर ना, तो यू जो हमारा मेन मेमोरी होता है वो दोनों को अकोमोडेट करता है, यूजर प्रोसेसेस को भी करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क, डिस्क इनिशियलाइजेशन, ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल्स इज केप्ट इन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है सारे फाइल के बारे में वो कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, स्वैप स्पेस, नॉन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो हमारा फाइल होता है उसका सारा इन्फॉर्मेशन किस में रहता है, सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रहता है, तो बी इज द राइट आंसर। बहुत लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देते हैं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज, बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं, ये बेसिकली डेडलॉक का टॉपिक है, तो हम लोग कवर करेंगे डेडलॉक आगे। ऑप्शन है, टू प्रिवेंट डेडलॉक, टू डेडलॉक रिकवरी, टू सॉल्व द डेडलॉक, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम होता है वो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इंक्रीजेज इन कंप्यूटर्स रैम लीड्स टू अ टिपिकल इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बिकॉज। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारे कंप्यूटर्स के रैम होते हैं वो मतलब कि फास्ट कैसे होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, फ्यूअर पेज फॉल्ट अकर, वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेज, फ्यूअर सेगमेंट फॉल्ट अकर, अ लार्ज रैम इज फास्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूअर फॉल्ट अकर, मतलब कि यहाँ पे पेज फॉल्ट अगर कम होगा तो हमारा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस में। तो पेज फॉल्ट क्या होता है कि जैसे हमें कोई प्रोसेस रन करवाना है तो अगर वो मेमोरी में मिल गया तब उसको बोलते हैं हम लोग कैश हिट, अगर नहीं मिला तो वो हो जाता है कैश मिस। तो जो कैश मिस होता है ना उसी को कहते हैं लोग पेज फॉल्ट, मतलब कि वो हमें मेमोरी में नहीं मिला, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, अलाउ करेगा, वो क्या कहलाता है, यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनि टास्किंग सिस्टम, नॉन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, यूनि प्रोग्रामिंग कहलाता है, मतलब एक बारी में एक प्रोग्राम ही रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस 1 to 5, नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, बिटवीन होता है, दो प्रोसेस के बीच में, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है विद इन और बिटवीन में, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको कहते हैं लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे हमारा मेमोरी में कुछ प्रोसेस वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, तो मान के चलो कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है, जो उसका इंस्ट्रक्शन एड्रेस लोकेशन मतलब कि रखता है, उसको क्या कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, प्रोसेस स्टैक कहते हैं, पाइप कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोकेशन होता है जो एग्जीक्यूट करने वाला है उसके लोकेशन को ये क्या करता है, कंटेन करके रखता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर है, एरर डिटेक्शन एट
कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ई इज द राइट आंसर। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे, टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो गए बेसिक से। तो आई होप एक बेस बन गया होगा आप लोगों का क्वेश्चन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे और इसके प्रोसेसेस पे आएंगे। तो ये दो टॉपिक से कल हमारा क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग का थ्योरी क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको कवर करवा दूंगी और फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।